नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक आपट और मीट विद रोजी। और इधर है बच्चे लोग चीपा और जीरा। तो रोजी लोग अभी मुझे छोड़ने के लिए जा रहे हैं यार एयरपोर्ट KLIA कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2। तो अभी मैं कहीं जाने वाला हूँ दोस्तों। कहाँ जाने वाला हूँ आप लोगों को मैं बताता हूँ। मैं अभी जाने वाला हूँ दोस्तों यहाँ मलेशिया का एक खूबसूरत आइलैंड लंकावी। यहाँ कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2 से लंकावी डायरेक्ट फ्लाइट है, 1 घंटे लगभग का फ्लाइट है और फ्लाइट बहुत ही सस्ता है यार। कितना पड़ा मुझे यहाँ से लंकावी जाने का और वहाँ से आने का भी मैंने कर लिया है, तो टोटल मुझे लगभग इंडियन रुपीस के हिसाब से 2400 रुपये और कुछ पड़े हैं, 2500 के आसपास आप मान लीजिए, है ना। तो बहुत ही सस्ता है यार ये लंकावी आइलैंड। आप लोगों ने सुना था नहीं दोस्तों, जो मलेशिया का जो मेन लैंड है उससे थोड़ा दूर, जैसे हमारे इंडिया के मेन लैंड से ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड में अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप है ना, वैसा ये है केदाह के पास में थोड़ी दूर में। बाई लैंड भी मैं जा सकता था वो और अच्छा होता ट्रैवलिंग के हिसाब से, लेकिन मुझे कोई और कंट्री भी जाना है तो मैं टाइम बचाना होगा और समय रहते मुझे वापस इंडिया जाना है क्योंकि मेरी मौसी की लड़की की शादी है तो वो अटेंड करना भी बहुत ज़रूरी है इसलिए। यार यहाँ पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ कुआलालंपुर और उसके आसपास के रोड्स अच्छे हों साफ सुथरे हों, पूरे मलेशिया का तो नहीं बोल सकता लेकिन जितना भी मैंने घूमा दूर दूर तक हम लोग गए थे यार, काफ़ी दूर दूर तक विलेज वाले इलाके में या फिर कहीं सारे तरफ एकदम ऐसे ही रोड हैं। ये जो मलेशिया है बहुत वेल डेवलप्ड है यार। तो दोस्तों रोजी से भी विदा लेने का समय हो चुका है। वी हैड अ गुड टाइम एंड थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग एंड आई विल कम अगेन एंड आई एम इनवाइटिंग यू टू कम माय कंट्री, आई विल शो यू अराउंड एंड थैंक यू, बाय, कम इंडिया विथ योर आंटी, ओके, सो ओके, थैंक यू, बाय। ए से लेकर जेड तक अलग अलग काउंटर बने हुए हैं दोस्तों, जैसे ए में A1, A2, A3, A4 ऐसा करके जेड तक। जैसे उधर देखो U16 है ना, U1, U2 ऐसा, और शायद ये सारा एयर एशिया का ही है। ये स्पेशलिस्ट है ये जो एयरपोर्ट है KLIA 2, ये एयर एशिया के लिए फेमस है। सिक्योरिटी चेक इन बहुत ही जल्दी जल्दी हो रहा है यार, अच्छा है, बहुत ही जल्दी यहाँ तक आ गए हम लोग। 1 मिनट लगा होगा शायद, और आने वाले 1-2 मिनट में मैं अंदर होऊंगा। तो मैं बोल रहा था सिक्योरिटी चेक इन हो गया दोस्तों। यार एक चीज़ तो यहाँ का थोड़ा अलग है, इंडिया में बहुत स्ट्रिक्टली चेक करते हैं, यहाँ पर वैसा नहीं है। मेट्रो स्टेशन वगैरह में भी जाने के लिए कोई सिक्योरिटी चेक इन करना नहीं पड़ता है, लोग डायरेक्ट अगर आपके पास मेट्रो कार्ड है तो उसके साथ या फिर टोकन लेके मेट्रो में सफ़र कर सकते हैं, है ना। और यहाँ भी एयरपोर्ट में आप ऐसे ही एंट्री ले सकते हैं। हमारे इंडिया में जितने भी एयरपोर्ट हैं डोमेस्टिक हो या फिर इंटरनेशनल, पहले एयरपोर्ट के बाहर कुछ सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, वो आपका पासपोर्ट टिकट सब देखते हैं, यहाँ पर वैसा नहीं है। सीधे अंदर जाओ और सीधा सिक्योरिटी चेक इन, बस वो सिक्योरिटी चेक इन के लिए घुस रहे होते हैं तो वहाँ पर एक जो लड़का या लड़की जो भी होते हैं जॉब में, वो आपका टिकट देखते हैं, स्कैन करते हैं बस एक बार। बोर्डिंग पास तो आजकल आप लोग ऑनलाइन ले सकते हैं खुद से, तो काउंटर पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और बैग वगैरह को लेके किसी ने तो पूछा नहीं मुझे कितना किलो है क्या, कुछ नहीं। यहाँ डोमेस्टिक ट्रैवल करने के लिए कोविड RT-PCR रिपोर्ट कुछ भी नहीं लगता, बस जस्ट टिकट मैंने बुक किया बस। J9 आते 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 यार काफ़ी टाइम लग गया, ऐसा नहीं J1 J2 J3 ऐसा लाइन से ऐसा नहीं है, J7 8 गायब है फिर 9 है, 8 उधर था, ऐसा है मतलब कहीं भी कहीं ये J9। तो भाई बैठ गया हूँ मैं ये 19F और अभी टाइम हो रहे हैं 7:48, 1 घंटे का टाइम लगेगा यार।
Welcome to Langkawi. We have just landed at Langkawi International Airport. For your safety, please remain seated and use your mobile phones to not allow until the fasten. Give a sign switch off. Do take care when opening door of your compartment. Before leaving this aircraft, please ensure that you have taken all your personal belongings. It was a pleasure having you today and we look forward to seeing you again soon. Matra 45 minutes ki lage. 1 ghante 5 minute ka time usme ticket mein likha tha lekin utna bhi nahi laga. जाओ 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 बोल रहे हैं वो, खैर उनका जॉब है। डोमेस्टिक अराइवल। ये दोस्तों मैं अभी एक आइलैंड में हूँ, मलेशिया के मेनलैंड में नहीं। अगर बाय रोड आना चाहेंगे तो पहले केदाह तक आना पड़ेगा या फिर कोई और प्लेस, फिर आप लोगों को फेरी लेना पड़ेगा, है ना। आज वाली फ़्लाइट में मोस्टली लोकल लोग ही थे, लोकल मलेशियन लोग, या तो हॉलीडे के लिए आ रहे थे या फिर कोई छुट्टी में गया था तो आ रहे थे। मोस्टली परिवार वाले या फिर कपल्स हैं। मैं अकेला हूँ यहाँ पे बैठा हुआ। पहले मैंने हॉस्टल जो बुक किया था दोस्तों, वो मैंने कैंसिल कर दिया था। पहले मैंने बुक किया था यार, बस वीज़ा के लिए वो चाहिए था इसलिए, और इमिग्रेशन होने के बाद वो मैंने कैंसिल कर दिया था। अभी बुक करना है चेनांग में, मुझे बुक करना है। देखता हूँ आज के लिए बस एक दिन का मैं करूँगा, किसी भी हॉस्टल में करूँगा, अच्छा लगेगा तो उसमें ज़्यादा दिन रहूँगा, नहीं तो हॉस्टल चेंज करूँगा। केलवर 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 हर जगह लिखाता है। केलवर मतलब होता है बाहर, एग्जिट। खुल जा सिम सिम, खुल जा खुल जा खुल जा, खुला। ओ भाई बाहर आ गया। मैं ग्रैब टैक्सी से अभी कोई टैक्सी बुक करता हूँ पहले। यहाँ से 6 किलोमीटर है दोस्तों जो मैंने हॉस्टल बुक किया है, और इस ग्रैब टैक्सी में मुझे देना होगा इसके लिए 13 रिंगिट्स। आई लव लंकावी लिखा है यहाँ पे, देखिए। तो चेनांग बीच के पास में जा रहा हूँ मैं। मैंने बहुत लोगों से पूछा कि कहाँ पर रुकना चाहिए, सब तरफ घूमना है तो कहाँ से अच्छा पड़ेगा, तो मुझे बताएगा कि चेनांग बीच में आप जाओ, उसके आसपास वो सबसे अच्छा है। तो यार हॉस्टल पहुंच चुका हूं मैं। ये यहाँ पे बास्केटबॉल भी खेल सकते हैं आप लोग, यहाँ बैठ के चिल करो। कुछ लड़के लोग हैं इधर में। कुछ खाने के लिए जा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पर स्ट्रीट में काफ़ी सारे मैंने रेस्टोरेंट देखे, स्ट्रीट फूड देखे। कुछ खाऊंगा और उसके बाद आके एडिटिंग करने में लग जाऊंगा। यार यहाँ पर मैकडोनल्ड्स भी है। इधर जाऊं या फिर इधर? यहाँ पर जितने भी लोग आते हैं सब पी के टून रहते हैं यार, लगभग सारा कुछ ड्यूटी फ्री है। बियर वगैरह 2 रिंगिट्स और 50 सेंट का, मतलब 40 रुपये के आसपास का एक कैन मिल जाता है, तो सब लोग पी के मस्त हैं, इंजॉय करते हैं। तो ये यार हॉस्टल है मेरा, 4 बेड हैं इसमें। ये वाला मेरा है ऊपर वाला, और एक लड़का इधर है और एक ये इधर। वॉशिंग मशीन भी है यहाँ पे कपड़े धोने के लिए। किचन है, बाहर से कुछ खाने पीने का सामान ला के यहाँ पे मैं पका सकता हूँ, और कॉम्प्लीमेंट्री में ब्रेड वगैरह है, मैं कभी भी खा सकता हूँ यहाँ पे। गेम खेलने के लिए भी है बाहर में दोस्तों, झूला झूलो यहाँ पे, बास्केटबॉल खेलो, वहाँ बैठो आराम से, और इधर से आके सो जाओ। तो बाकी की बातें बाद में दोस्तों, वीडियो यहाँ पर मैं एंड करने वाला हूँ। आज का जो वीडियो था, आप लोगों को ऐसा लगा मुझे जरूर बताइएगा कमेंट करके, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बहुत ही जल्द में बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग ब्लॉग्स के साथ मैं आप लोगों से मिलूंगा। नमस्कार।